जैकलीन फर्नांडीज की ठग सुकेश के साथ अंतरंग तस्वीर वायरल। अभिनेत्री ने लोगों से उसकी निजता का सम्मान करने का अनुरोध किया। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने एक बयान जारी कर प्रशंसकों और मीडिया से उनकी निजता का सम्मान करने के लिए कहा, क्योंकि कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ उनकी अंतरंग पल की तस्वीर सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा की गई थी। जैकलीन और सुकेश की एक अंतरंग तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई और कई मीडिया घरानों द्वारा अभिनेत्री और चोर कलाकार के बीच गहरा संबंध स्थापित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। शनिवार की शाम 8 दिसंबर को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लोगों से उनकी गोपनीयता और व्यक्तिगत स्थान पर घुसपैठ करते हुए छवियों को प्रसारित नहीं करने की अपील की। उसने कहा कि वो अपने जीवन में एक कठिन और कठिन समय का सामना कर रही है और वो जल्द ही वापसी करने की उम्मीद करती है। इस देश और इसके लोगों ने मुझे हमेशा जबरदस्त प्यार और सम्मान दिया है। इसमें मीडिया के मेरे दोस्त भी शामिल हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे दोस्त और प्रशंसक मुझे इससे पार पाएंगे। इसी भरोसे के साथ मैं अपने मीडिया मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वे मेरी निजता और व्यक्तिगत स्थान पर दखल देने वाली प्रकृति की छवियों को प्रसारित न करें। आप अपने अपनों के साथ ऐसा नहीं करेंगे, मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ भी ऐसा नहीं करेंगे। उम्मीद है कि न्याय और अच्छी भावना होगी। धन्यवाद। बयान पढ़ा। तस्वीर में वो सुकेश के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रही है, जो 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी का आरोपी है। ट्रेनबैक सी फोर्टिस और रिलिया एंटरप्राइजेस के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह ने हाल के एक मामले में अपने पति की मदद करने के वादे पर 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप सुकेश पर लगाया था। विशेष रूप से जैकलीन इस मामले में जुड़ी हुई है, क्योंकि ईडी ने इस ठग के साथ उसके जुड़ाव और वित्तीय लेनदेन पर सवाल उठाया था, जो सन टीवी और कई अन्य चीजों का मालिक होने का दावा करता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुकेश ने जैकलीन के साथ रिलेशनशिप में होने की बात कबूली और उन्हें महंगे तोहफे दिए। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से पता चला है कि उसने हीरे जड़ित आभूषण सेट, क्रॉकरी, 36 लाख की चार पासी बिल्लियां और 52 लाख रुपए का घोड़ा उपहार में दिया था। ईडी को दोनों के बीच वित्तीय लेनदेन के सबूत मिले हैं और उसने उन्हें 10 करोड़ रुपए का उपहार दिया था। सुकेश जेल से जैकलीन से मोबाइल पर चैट भी करता था। पिछले साल जमानत मिलने के बाद उन्होंने अपने लिए एक चार्टर्ड फ्लाइट बुक की और चेन्नई में जैकलीन से मिलने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था भी की। ईडी द्वारा सुकेश के साथ उनकी पत्नी, डांसर अभिनेत्री नोरा फतेही और अन्य के खिलाफ दायर चार्जशीट में जैकलीन का नाम लिया गया है। न्यूज़ सोर्स: www.upindia.com।